नमस्कार, न्यूज 11 देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं राजदा। बीजेपी साफ सुथरी राजनीति की बात करती है, लेकिन झारखंड में पार्टी ने दागियों के लिए द्वार खोल दिए हैं। खबर आ रही है कि हत्याकांड के पांकी विधानसभा क्षेत्र से दो बार चुनाव लड़ चुके झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता डॉक्टर शशिभूषण मेहता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। 3 अक्टूबर को रांची में प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में मेहता अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। डॉक्टर शशिभूषण मेहता ने रविवार को रांची में मुख्यमंत्री रघुवर दास से मुलाकात की है। डॉक्टर मेहता ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में झारखंड प्रगति की पथ पर अग्रसर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ साथ मुख्यमंत्री के कार्यों से प्रभावित और भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में से सहमत तो होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने का निर्णय लिया है। बताएं कि मेहता पर ऑक्सफोर्ड स्कूल की वार्डन सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में मामला चल रहा है। 12 मई 2012 को सुचित्रा मिश्रा की हत्या की गई थी और उसका शव धुरवा में मिला था। इसे लेकर उसके भाई गोविंद पांडे ने 12 मई 2012 को धुरवा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मेहता को अरेस्ट किया था और इसके बाद से मामले की सुनवाई चल रही है। फिलहाल शशिभूषण मेहता जमानत पर चल रहे हैं। और ज्यादा जानकारी ले सहयोगी राकेश फोन लाइन पर है। राकेश, जो हमेशा से हम देखते आए हैं कि बीजेपी अपनी साफ सुथरी छवि को लेकर बात करते आई है, लेकिन अब ऐसे कई दागी हैं जो बीजेपी का सहारा ले रहे हैं और बीजेपी के द्वार भी उनके लिए खुले हैं। और एक जेएमएम का टिकट पर चुनाव लड़े पांकी विधानसभा से बात शशिभूषण मेहता की करें, वो शामिल होने वाले हैं बीजेपी में? बिल्कुल, देखिए कल ही मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात हुई है और 3 तारीख का वक्त दिया है उन्होंने। 3 अक्टूबर को कहा है कि वो अपने पूरे दलबल के साथ बीजेपी में शामिल होंगे। दो बड़ी चीज है राजा, एक तो पिछला चुनाव का अगर आप रिकॉर्ड देखें, जो बाय इलेक्शन हुआ था पाकी में, तो बेहद कम अंतराल से वो चुनाव हारे थे। और पूरे रामपुर मंडल में अगर आप देखें तो दो सीटें, एक तो पाकी और दूसरी जो सीट है गढ़वा, जहाँ से झारखंड मुक्ति मोर्चा को उम्मीद थी कि वहाँ से वो सीट जेएमएम के खाते में आ सकती है, लेकिन दोनों पांची सीट चूंकि अब शशिभूषण मेहता ने एक तरीके से मन बना लिया है और ये साफ हो चुकी है कि वो बीजेपी में शामिल होंगे। लंबे समय से ये प्रक्रिया चल रही थी और उस पूरे चुनाव के बाय इलेक्शन के बाद से ही शशिभूषण मेहता ने एक तरीके से बीजेपी में जाने का मन बना लिया था। और दूसरी एक जो बड़ी वजह है, जो उन पर जो आरोप है हत्या का, उनकी स्कूल की जो वार्डन है उन पर हत्या का जो मामला है, तो उस मामले में भी अब चूंकि न्यायालय से फैसला आने वाला है, बहुत जल्द फैसला आ जाएगा, तो वो भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है शशिभूषण मेहता के इस कदम को लेकर राजदा। चलिए, तो फिलहाल जमानत पर हैं शशिभूषण मेहता और जो हलचले तेज है, अमूमन यही देखने को मिलता है राकेश की, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं दल बदल का दौर शुरू हो जाता है और बीजेपी के साथ भी ऐसा ही कुछ दिख रहा है। बिल्कुल, देखिए उनको लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ रहकर उनको लगता है कि पांची सीट निकाला नहीं जा सकता और बीजेपी की जिस तरीके से झारखंड में मजबूत स्थिति है लोकसभा चुनाव के बाद से, लगातार अगर आप पार्टी को देखें तो पार्टी जो 65+ के टारगेट के साथ आगे बढ़ रही है, तो शशिभूषण को मेहता को लगता है कि बीजेपी के साथ चलने से चीजें आसान हो जाएगी और यही वजह है कि उन्होंने मन बना लिया है कि बीजेपी में शामिल होने का। लेकिन दूसरी जो एक बात बीजेपी की तरफ से लगातार कही जाती है, पार्टी विद डिफरेंस, लेकिन जब इस तरह के लोग अगर पार्टी में शामिल होंगे, इस तरह के दागी लोग जिन पर हत्या का आरोप है, जिन पर फैसला आना है, तो कहीं ना कहीं पार्टी की छवि थोड़ी खराब होती है, थोड़ी धूमिल होती है। इन चीजों को बीजेपी को देखना होगा, प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक उनके नेता चीजों को देख रहे हैं। लेकिन 3 तारीख को ये तय हो चुका है कि शशिभूषण मेहता जो है वो अपने दलबल के साथ बीजेपी का दामन थामेंगे। कल मुख्यमंत्री से उनकी औपचारिक तौर पर इस मसले पर बातचीत भी हो चुकी है। और बात अगर जेएमएम की करे तो एक एक झटका जरूर जेएमएम को लग सकता है इस खबर से। नहीं बिल्कुल, देखिए पलामू में जेएमएम का एक तरीके से पांची जो था वो गढ़ था और लगातार शशिभूषण मेहता वहां मेहनत कर रहे थे और मेहनत का ही नतीजा था कि पिछला जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें शशिभूषण मेहता मात्र 5,000 वोटों से पीछे रह गए थे। तो इस बार उम्मीद थी कि फाइट अच्छी होगी और जेएमएम को लग रहा था कि पांकी एक सीट जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खाते में जा सकता है।
इसके अलावा गढ़वा में भी उनके जो प्रत्याशी हैं उनसे भी जेएमएम को खासा उम्मीद है, लेकिन पार्टी में कहीं ना कहीं शशि भूषण मेहता के इस कदम से झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा शॉक लगा है। हालांकि ये पहले से तय माना जा रहा था कि शशि भूषण मेहता बीजेपी का दामन थामेंगे, इस तरफ जेएमएम की फहरिस्त में कई से विधायक हैं जो आने वाले दिनों में बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। राजा तो कहीं ना कहीं पहले से ये तय था राकेश, शशि भूषण मेहता का मन बीजेपी की तरफ था और यही वजह है कि जब जेएमएम की बदलाव यात्रा थी पलामू में उस वक्त भी ये शामिल नहीं थे। बदलाव यात्रा में राजा शामिल हुए थे लेकिन बहुत सक्रियता उन्होंने नहीं दिखाई थी, उनके जो क्षेत्र में जो कार्यक्रम हुए थे उसमें वो जरूर उपस्थित थे, लेकिन पूरे पलामू प्रमंडल की अगर आप बात करें जहाँ जहाँ हेमंत गए वहाँ शशि भूषण मेहता नहीं गए थे, सिर्फ पांकी विधानसभा क्षेत्र में चूंकि उनका अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी था, विधानसभा था, लिहाजा वो कार्यक्रम में शामिल हुए थे, लेकिन पूरे आप यात्रा को अगर पलामू प्रमंडल में देखें तो शशि भूषण मेहता की कहीं उपस्थिति नहीं थी। तो उसी वक्त से एक तरीके से जेएमएम को भी अंदाजा हो चुका था कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो बीजेपी का दामन थाम ले, जेएमएम के जो लोग थे वो इस तरह की चर्चा कर रहे थे और अब चीजें जो है वो बिल्कुल साफ हो चुकी है, 3 तारीख को जो है शशि भूषण मेहता वो बीजेपी का दामन थामेंगे। शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए। तो शशि भूषण मेहता बीजेपी का दामन थामने वाले हैं, 3 अक्टूबर को मिलन समारोह का आयोजन किया गया है बीजेपी कार्यालय में, जब ये अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जेएमएम के टिकट से पांकी विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और हत्या के आरोपी हैं, इन पर केस चल रहा है, जेल भी गए हैं और अभी जमानत पर रिहा है। तो बीजेपी में दाही के एंट्री हो रही है जो साफ छवि की बात करती है बीजेपी, ऐसे दाकियों के एंट्री से बीजेपी की जो छवि है वो जरूर धूमिल होगी। और बातचीत करें हमारे साथ सहयोगी आकाश भार्गव है फोन लाइन पर। आकाश, जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे शशि भूषण मेहता, पुख्ता खबर है 3 अक्टूबर को ये बीजेपी का दामन थामेंगे? जी देखिए राजदा, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति में एसबीपी मेहता जैसे दागी लोगों के लिए शायद जगह नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसा कि आपसे जानकारी मिल रही है कि 3 अक्टूबर को शशि भूषण प्रसाद मेहता भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, ये बिल्कुल आश्चर्यजनक है क्योंकि शशि भूषण प्रसाद मेहता एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर हत्या का आरोप है, 2 बच्चों को अनाथ करने का आरोप है, 1 महिला की हत्या करने का आरोप है, साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे संगीन आरोप हैं जिन्हें देखने के बाद नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को जगह मिल सकती है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पनाह दे सकती है। इन्होंने न सिर्फ 2 बच्चों को अनाथ किया बल्कि एक विधवा महिला को अपने साथ रखा, उस विधवा महिला के साथ इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने उस विधवा महिला को प्रलोभन देकर या उसकी मजबूरियों का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण किया। इतना ही नहीं, शारीरिक शोषण के उपरांत एक पुत्र की चाहत में उस महिला की हत्या कर दी और 2 बच्चों को अनाथ कर दिया। ये शशि भूषण प्रसाद मेहता पर आरोप है और आरोप गठित हो चुका है, चार्जशीट हो चुका है और इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल पुलिस के अधिकारियों ने चार्जशीट दाखिल किया है। और क्या मैं नहीं कह रहा बल्कि ये सारे दस्तावेज कोर्ट में उपलब्ध हैं और मामले की त्वरित स्पीडी ट्रायल चल रहा है, मामले की स्पीडी ट्रायल चल रही है। ऐसे में एसबीपी मेहता को बीजेपी में पनाह मिलना मेरे ख्याल से बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन आपसे जानकारी मिल रही है कि ऐसा है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी खासतौर से मुख्यमंत्री रघुवर दास भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं, लेकिन आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि शशि भूषण प्रसाद मेहता भ्रष्टाचार के भी आरोपी हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड में हुए घोटाले में यह चूंकि ये एक ठेकेदार भी है, शशि भूषण प्रसाद मेहता न सिर्फ स्कूल चलाते हैं, राजनीति करते हैं बल्कि एक ठेकेदार भी हैं, ये आपूर्ति करता है और इस मामले में बकायदा सीबीआई ने इन्हें चार्जशीट कर रखा है और इस मामले में भी स्पीडी ट्रायल चल रही है और बहुत जल्द फैसला आने की उम्मीद है। जब भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों से घिरे हुए हैं, यदि लोगों को ध्यान न हो तो मैं एक बार दोहराना चाहूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड का घोटाला वही मामला है जिसमें उस तत्कालीन वीसी वाइस चांसलर टीटी खटिंग भी आरोपी हैं। तो किस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों
जो जिस व्यक्ति पर हत्या का आरोप हो और वह चार्जशीटेड हो चुका हो और उस पर उसको लेकर के बहुत जल्द फैसला आने वाला है, जिस व्यक्ति पर दो बच्चों के अनाथ करने का आरोप हो, जिस व्यक्ति पर एक विधवा महिला की मजबूरियों का फायदा उठाकर उसका शारीरिक शोषण करने का आरोप हो, इस तरह के तमाम तरह के आरोप हो, वैसे चरित्र के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में जगह मिलना मेरे ख्याल से बिल्कुल आश्चर्यजनक है। शायद आपकी जानकारी गलत भी हो सकती है, क्योंकि जिस बीजेपी को, जिस रघुवर दास को मैं जानता हूँ, जिस अमित शाह को मैं जानता हूँ, वैसे लोग ऐसे लोगों को बिल्कुल पनाह नहीं दे सकते। तो अब आप बता रही हैं तो मेरे लिए यह बिल्कुल ही आश्चर्यजनक है। राजदा बिल्कुल बिल्कुल आकाश, जिस तरीके से बीजेपी अपनी साफ छवि के लिए जानी जाती है और मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने कार्यकाल में लगातार ये भाषण देते हुए आए हैं कि अब तक बीजेपी में किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा है, किसी तरह के कोई आरोप नहीं है, लेकिन ऐसे दागियों को अपने यहाँ एंट्री दिलाने में बीजेपी की जो साफ छवि बनी हुई है वो जरूर धूमिल हो जाएगी। निश्चित तौर पर यदि बीजेपी एसवीपी मेहता जैसे लोगों को अपने यहाँ एंट्री देती है तो जो पार्टी की छवि है, जो जिस तरह से पार्टी विजय रथ पर सवार होकर निकली है और पूरे देश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का पताका लहरा रहा है, वैसी स्थिति में यदि नेशनल मीडिया ने इसे मुद्दा बनाया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि बीजेपी की छवि ही बीजेपी की सारी पूंजी है और बीजेपी अपनी छवि को गंवाती है। यदि बीजेपी की छवि धूमिल होती है तो निश्चित तौर पर उसकी यह जो पूंजी, जो कमाई हुई पूंजी है, उस वह पूंजी घट जाएगी और बीजेपी का जो विजय रथ है वो उसका आगे चलना थोड़ा सा मुश्किल, राज्य में तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जनता ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं चाहेगी कि बीजेपी जैसे साफ छवि वाले पार्टी में शामिल हो। लेकिन अब चूंकि बीजेपी ने ऐसा निर्णय लिया है, आप जैसा बता रही हैं, और 3 अक्टूबर को बाकायदा उनकी पार्टी में ज्वाइनिंग हो रही है, एंट्री हो रही है, तो कह सकते हैं कि बीजेपी के जो पुरानी विचारधाराओं के नेता हैं, जो विचारधारा के साथ चलते हैं, हमें उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे जानकारी मिलेगी कि ऐसी स्थिति में पार्टी की क्या स्थिति होगी, पार्टी की छवि पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, पार्टी को इसका आने वाले दिनों में कितना नुकसान होगा, क्योंकि शशिभूषण प्रसाद मेहता सिर्फ आरोपी ही नहीं है बल्कि कहें कि समाज से एक प्रकार से बहिष्कृत व्यक्ति है। समाज ऐसे लोगों को बिल्कुल हे निगाहों से देखता है जिन्हें पर इस तरह के आरोप हो, भले ही फैसला आने में कुछ वक्त जरूर है, लेकिन लगभग सारी चीजें जिस तरह से साक्ष्य उपलब्ध हैं पुलिस के पास, जिस तरह के प्रमाण पुलिस के पास उपलब्ध हैं, उन्हें देखने के बाद नहीं लगता है कि शशिभूषण प्रसाद मेहता इस मामले में बच पाएंगे या फिर भ्रष्टाचार के मामले में बच पाएंगे। ऐसे में उन्हें बीजेपी में एंट्री देना बीजेपी के लिए ही घातक साबित हो सकता है। राजदा चलिए बीजेपी के लिए जरूर घातक साबित हो सकता है ऐसे फैसले लेना। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी के लिए। तो बताएं आपको कि शशिभूषण मेहता जो कि जेएमएम के टिकट पर पांकी विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। 3 अक्टूबर को सदस्यता ग्रहण करेंगे अपने समर्थकों के साथ। बीजेपी जो हमेशा से अपनी साफ छवि की बात करते आई है, ऐसे दागियों को अपने पार्टी में एंट्री दिलाने से बीजेपी की जो छवि है वो धूमिल हो सकती है और आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री रघुवर दास अपने कार्यकाल में ये हमेशा कहते आए हैं कि जिस तरीके से बीजेपी निष्पक्ष होकर लोगों की सेवा करती है, योजनाएं धरातल पर उतारती है, किसी तरह की कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है किसी पर और ना ही किसी तरह से कोई आरोपी है, लेकिन ऐसे लोगों को बीजेपी में एंट्री दिलाना बीजेपी के लिए नुकसान साबित हो सकता है। तो जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे शशिभूषण मेहता। 3 अक्टूबर को अपने समर्थकों के साथ ये बीजेपी कार्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, मिलन समारोह, उसमें अपने समर्थकों के साथ शामिल होंगे। तो बीजेपी के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकती है। बीजेपी अपनी साफ छवि की बात हमेशा करती है, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास, और ऐसे भ्रष्टाचारियों को, ऐसे हत्याकांड के आरोपियों को अपनी पार्टी में एंट्री दिलाना ये नुकसानदायक साबित हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त दीपक प्रकाश है फोन लाइन पर। दीपक जी स्वागत है न्यूज 11 में। बहुत धन्यवाद आपको।
खबर आपको पता है, शशि भूषण मेहता बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, इसकी सत्यता आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पहले तो उनको हर आदमी, जो आदमी भारतीय जनता पार्टी के प्रति निष्ठा रखता हो, जो भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों का पालन करने का प्रतिज्ञा करता हो, जो देश के विकास के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, भारतीय जनता पार्टी को मैं बिना शर्त आना चाहता है, उसका अभिनंदन हम स्वागत करते हैं। जहां तक शशि भूषण मेहता के संदर्भ में आपने विषय को रखा है हमारे सामने, पहले अभी हम लोगों के पास जानकारी नहीं है, जानकारी हो जाने के बाद ही इस पर कोई मैं टिप्पणी करने के लिए तैयार हूँ। तो दीपक जी, आपके मुताबिक अभी जानकारी नहीं है कि शशि भूषण मेहता बीजेपी? नहीं, मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, जानकारी आने के बाद मैं जरूर टिप्पणी करूंगा। लेकिन आपको ये बता दें कि कल मुख्यमंत्री से मुलाकात की है शशि भूषण मेहता, बातचीत हुई है और उन्होंने काफी बड़ाई की है, तो ये तो साफ है कि वो शामिल हो रहे हैं 3 तारीख को। मुख्यमंत्री के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, राज्य की सरकार के बारे में 3.25 करोड़ जनता आज बड़ाई कर रही है, तो होने दीजिए, उसके बाद ना कुछ टिप्पणी करेंगे। दीपक जी, ये बताइए, शशि भूषण मेहता बीजेपी में शामिल होंगे, ये बीजेपी के लिए कितना अच्छा और कितना नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के आरोपी भी हैं और साथ ही हत्याकांड के भी आरोपी हैं। बीजेपी साफ छवि के लिए जानी जाती है, ऐसे लोगों की एंट्री, जनता पार्टी किसी भी ऐसे व्यक्ति को शामिल कराने के लिए सहमत नहीं हो सकता है जिसके कारण पार्टी की छवि धूमिल होगी, भगवत दास की छवि धूमिल होगी, नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल होगी, ये स्पष्ट है। लेकिन पहले बार अखबारों के बयान से मैं कुछ टिप्पणी करने के लिए अपने आप को तैयार नहीं हूँ, लेकिन कुल मिलाकर ऐसी परिस्थिति आएगी तो पार्टी को जरूर टिप्पणी होगी, और ऐसे अगर आने समय एक बार ज्वाइन तो करने दीजिए, ज्वाइन करने के पहले ही चीजों को इतना हम गंभीर बना दें, ऐसी चीजें हैं, एक बार पार्टी समीक्षा करेगी। चलिए, एक सिंपल सा और सटीक सा जवाब आपसे जानना चाहते हैं, क्या शशि भूषण मेहता की बीजेपी में एंट्री होगी या नहीं, आप क्या कहेंगे? भाई, शशि भूषण मेहता ने हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं से कोई संपर्क और संवाद नहीं किया, इसलिए कोई हम इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे। अगर वो शामिल होना चाहे तो बीजेपी एंट्री देगी? पहले हम लोगों से आज तक हमसे कोई बात नहीं हुई, हमारे प्रदेश के महामंत्री कहते मैं बोल रहा हूँ, हमसे कोई बात नहीं हुई, तो पार्टी का निर्णय सामने आना चाहिए। चलिए, तो पार्टी का क्या जी, पार्टी जिस तरीके से साफ छवि की बात करती है, अगर शशि भूषण मेहता शामिल होते हैं तो बीजेपी की जो छवि है वो तो धूमिल होगी ही, और साथ ही जो लगातार मुख्यमंत्री कहते आए हैं जीरो टॉलरेंस की बातें, वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर सकते हैं ऐसे दागियों को बीजेपी में एंट्री दिलाने पर। शुक्रिया दीपक प्रकाश जी बातचीत के लिए। तो शशि भूषण मेहता, जो कि जेएमएम की टिकट पर पांकी विधानसभा चुनाव वहां से लड़ी है उन्होंने, और अब जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। बीजेपी ऐसे लोगों के एंट्री करने की बात नहीं करती है जो दागी हो, भ्रष्टाचार में लिप्त हो, किसी की हत्या की हो, पर ये तमाम चीजें शशि भूषण मेहता में साफ तौर पर देखने को मिलती है। भ्रष्टाचार का भी केस उन पर चल रहा है, हत्या के आरोपी हैं, और अब बीजेपी में शामिल होने की बात हो रही है। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या निर्णय लेती है। रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक के लिए।